हेलो एवरीवन, तो मोटरवुड की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हैं राजस्थान वोल्वो जयपुर के अंदर, जो अपना शोरूम है वो जयपुर के अंदर सांगनेर रोड जो है उस पे रहने वाला है। एड्रेस जो है वो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मिल जाएगा। तो आज बात करेंगे C40 रिचार्ज वोल्वो की जो इलेक्ट्रिक कार है उसके बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस कार के अंदर अपने को क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और किस प्राइस रेंज में ये कार रहने वाली है, और ईवी है तो उसी के साथ अपन रेंज वगैरह 0 to 100 सारी चीज़ों की जो है वो बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो फ्रंट के अंदर अगर मैं बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने को वोल्वो का सिग्नेचर लोगो मिल जाता है। साथ ही के अंदर अपने को फ्रंट जो अपना पार्किंग कैमरा है वो प्रोवाइड किया गया है, और इसके अंदर अपने को 360 डिग्री व्यू कैमरा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है फ्रंट के अंदर अपने को यहाँ, और अपने ORVMs जो हैं उनके ऊपर भी अपने को जो कैमरा है प्लेस मिल जाता है। साथ ही के अंदर अपने को सेफ्टी वाइज में अगर बात कर लूँ तो इसके अंदर अपने को 9 एयरबैग्स की जो सेफ्टी है वो प्रोवाइड की जाती है। साथ ही के अंदर अपने को फ्रंट के अंदर भी 6 पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। बात कर लेते हैं अब इसके हेडलाइट्स पे, तो इसके अंदर अपने को 84 पिक्सल्स की जो LED लैंप्स हैं वो प्रोवाइड की जाती है। साथ ही के अंदर आप देख सकते हैं पूरा LED कुछ इस प्रकार का DRL जो है वो मिल जाता है। फोग लैंप्स पे आते हैं तो फोग लैंप्स अपने को LED प्रोजेक्टर फोग लैंप्स जो है वो मिल जाते हैं। साथ ही के अंदर अपने को पियानो ब्लैक कलर के जो कॉम्बिनेशन है वो अपने को अच्छा खासा प्रोवाइड किया जाता है फ्रंट में। अब आते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। तो साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो पूरे एरोडायनेमिक लुक्स जो हैं वो इसके अंदर अपने को प्रोवाइड किया जाता है। पूरा आप देख सकते हैं कूपे जो शेप है वो इसके अंदर मिल जाती हैं। आते हैं अब इसके टायर्स पे। तो टायर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो इसके अंदर अपने को कुछ इस प्रकार के ड्यूल टोन के अंदर जो अलॉय व्हील्स हैं वो मिल जाते हैं। फ्रंट के अंदर अपने को 235/50R19 का जो अलॉय व्हील है वो प्रोवाइड किया जाता है डिस्क ब्रेक के साथ। और रियर की अगर मैं बात करूँ तो रियर के अंदर आप देख सकते हैं अपने को 255 जो है उसके 255/45R19 का जो अलॉय व्हील है वो मिल जाता है। इसके अंदर अपने को आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर इस प्रकार से जो अलॉय व्हील है वो प्रोवाइड किया गया है। पूरा ईवी के जो है ईवी के अंदर जो है वो कंपनीज क्या करती हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए जो स्टील रिम है वो डाल देती हैं, लेकिन इसके अंदर अपने को प्रॉपर अलॉय व्हील जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। बात कर ले अगर व्हील आर्च क्लैडिंग्स की, तो व्हील आर्च क्लैडिंग्स आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर मैट ब्लैक कलर के अंदर अपने को जो व्हील आर्च क्लैडिंग्स मिल जाती हैं। डोर क्लैडिंग्स भी अपने को जो मैट ब्लैक कलर का है उसके अंदर यूज मिल जाता है। बात करें तो इसके अंदर अपने को एडवांस टेक्नोलॉजी का जो अपना अडास लेवल 3 जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि अभी तक का सबसे अपग्रेडेड वर्जन है अडास का। और बात करें अगर पूरे ओवरऑल तो सेफ्टी वाइज जो है वो वोल्वो इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बात कर ले अगर इसके ORVM की, तो ORVM आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के अपने को पियानो ब्लैक कलर के ORVM जिसके ऊपर अपने को LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। आते हैं अब इसके डोर हैंडल्स पे, तो अपने को इसके अंदर अपने को सेंसर्स के साथ जो अपनी रिक्वेस्ट सेंसर है वो प्रोवाइड किया जाता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर अपने को बटन वगैरह ना देके अपना पूरा जो टच पैनल के जैसा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। पूरा एरोडायनेमिक लुक्स मिल जाती है। रूफ की अगर मैं बात कर लूँ तो रूफ आप देख सकते हैं अपने को ब्लैक कलर का रूफ मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना प्रोवाइड किया गया है, और साथ ही के अंदर इसके अंदर अपने को प्रॉपर जो मून रूफ है वो प्रोवाइड की जाती है। आप देख सकते हैं सनरूफ या पैनारोमिक रूफ ना मिलके इसके अंदर अपने को पूरे का पूरा जो अपनी मून रूफ है वो प्रोवाइड की जाती है। अब आते हैं इसके रियर लुक पे। तो रियर लुक की अगर मैं बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं प्रॉपर कुछ प्रकार का पूरा स्पोर्टी जो लुक है वो इसके अंदर अपने को रियर के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। बात कर लेते हैं टेल गेट से। तो टेल गेट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपने को वोल्वो की बैजिंग मिल जाती है क्रोम के अंदर। साथ ही के अंदर अपने को C40 की बैजिंग प्रोवाइड की गई है, और इसके अंदर अपने को ट्विन मोटर्स मिलती है, तो यहाँ पर अपने को रिचार्ज ट्विन की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। बात करते हैं अब इसके टेल लैंप्स की। तो टेल लैंप्स आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की LED टेल लैंप्स जो अपने को प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही के अंदर अपने को पूरी LED का जो टेल लैंप्स के अंदर सेटअप है वो मिल जाता है। बात कर ले अगर इसके रिफ्लेक्टर्स की, तो अपने को आप देख सकते हैं पूरा कुछ इस प्रकार का मैट ब्लैक कलर का जो अपना यूज़ है वो मिल जाता है, और साथ ही के अंदर अपने को कुछ इस प्रकार के रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके अंदर रियर के अंदर भी अपने को जो 6 पार्किंग सेंसर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर बात कर ले इसके स्पोर्टीनेस की, तो स्पोर्टी लुक के लिए इसके अंदर अपने को 2 स्पॉइलर जो हैं वो मिल जाते हैं। एक आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का स्पॉइलर, और साथ ही के अंदर अपने को पूरा जो अपना स्पॉइलर है वो इस प्रकार से दिया गया है कि जो इसके एरोडायनेमिक्स लुक्स जो हैं वो मेंटेन रह सके। बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो अगर बूट की बात करूँ तो टेलगेट जो है वो अपना फुली इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल टेलगेट जो है वो मिल जाता है। साथ ही के अंदर आप अगर बात करें बूट स्पेस की, तो
इसके अंदर अपने को 428 लीटर्स का जो बूट स्पेस है वो मिल जाता है। साथ ही के अंदर अपने को जो स्पेयर टायर है उसका रखने का स्पेस जो है वो अपने को यहीं जो है वो मिलता है, कहीं पे भी हिडन वगैरह जो है वो नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर यहाँ पर अपने को जैक वगैरह और साथ ही के अंदर अपना जो चार्जर कैरी करने का स्पेस है वो मिल जाता है। और इसके अंदर अपने को फर्स्ट एड किट जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है। पार्सल ट्रे जो है वो कुछ इस प्रकार से बड़ी सी पार्सल ट्रे मिल जाती है और साथ ही के अंदर यहाँ पर अपने को जो कंट्रोल है टेलगेट के वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरा प्रॉपर जो है वो अपने को कुछ इस प्रकार का जो अपना टेलगेट है वो इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल, फुली इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल जो टेलगेट है वो मिल जाता है। बात करें अगर इसके चार्जिंग की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने को कुछ इस प्रकार से जो अपना चार्जिंग पोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर अपने को नॉर्मल चार्जिंग और यहाँ पर अपने को जो फास्ट चार्जिंग है वो मिल जाती है। अब बात कर ले अगर रियर मिरर की तो रियर मिरर के अंदर अपने को आप देख सकते हैं डिफोगर का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, वाइपर इसके अंदर अपने को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अब अगर बात करें इसके फ्रंट हुड की तो फ्रंट हुड के अंदर भी जो है वो अपना कुछ इस प्रकार से जो स्पेस है वो इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर हाइड्रोलिक्स के साथ जो अपना फ्रंट बोनेट जो है वो मिल जाता है। साथ ही के अंदर अपना अगर बात करें तो यहाँ पर अपने को 31 लीटर्स का जो स्पेस है वो फ्रंट हुड के अंदर भी अपने को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने को कुछ जो अपना वाइपर के जो वॉशर्स हैं अपने जो फ्रंट वॉशर जो हैं उनके लिए अपने को जो वाटर डालने का जो स्पेस है वो दिया गया है। बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल इंटीरियर की तो इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर अपने को 100% लेदर फ्री इंटीरियर जो है वोल्वो ने जो है ये नई शुरुआत की है। जो कि ईवीज आती हैं उनके अंदर अपने को जो वोल्वो है वो 100% लेदर फ्री इंटीरियर जो है वो प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर इसके अंदर अगर मैं बात कर लूँ इंटीरियर की तो इसके अंदर अपने को ब्लैक कलर का जो प्रॉपर इंटीरियर है वो मिल जाता है। साथ ही के अंदर अपने को पियानो ब्लैक कलर के जो टचेज हैं वो जगह जगह प्रोवाइड किए गए हैं। पूरा रूफ वगैरह जो है वो सारी चीज़ें अपने को ब्लैक कलर के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। शुरुआत करते हैं डोर्स पे तो डोर्स के अंदर अपने को अगर बात कर ले तो यहाँ पर पूरा जो रबर एंड प्लास्टिक का जो यूज़ है वो प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही के अंदर अपने को यहाँ पर जो एम्बिएंट लाइटिंग है उनका सेटअप दिया गया है और ये जो इंस्पायर है ये स्वीडन के जो अपने माउंटेन्स हैं उनसे थोड़ा थोड़ा जो इंस्पायर है वो किया गया है। हरमन गार्डन का इसके अंदर अपने को म्यूजिक सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही के अंदर अपने को यहाँ पर जो मटेरियल अपना जो फैब्रिक यूज़ किया गया है वो किया गया है जो अपना रिसाइकल मटेरियल्स होते हैं उनसे जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। साथ ही के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने को विंडोज़ के कंट्रोल और ORVM और लॉक अनलॉक के जो कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं। इसके अंदर अपने को ड्राइवर साइड सीट जो है वो मेमोरी फंक्शंस के साथ मिल जाती है, जिसके अंदर अपने को इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्ट सीट जो है वो मिल जाती हैं और जो को ड्राइवर साइड सीट है वो अपने को इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल तो मिलती है लेकिन इसके अंदर अपने को जो मेमोरी सीट्स का फंक्शन है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बात कर लेकर सीट्स की तो इसके अंदर अपने को अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर जो कि ड्राइविंग के टाइम पे जो है वो अपन बिल्कुल भी जो है वो पूरा प्रॉपर अपना आराम से जो ड्राइविंग है वो कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और इस कार के अंदर अपने को जो स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है क्योंकि ये कार जो है वो पूरी सेंसर्स के साथ जो है वो डिज़ाइन की गई है। तो जैसे ही मैं सीट्स पे बैठता हूँ तो उसी के साथ जो अपनी कार है वो ऑटोमेटिक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर अपने को 10.23 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। और साथ ही के अंदर अपने को यहाँ से जो कंट्रोल्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं और इसके अंदर अपने को नेविगेशन वगैरह जो है वो सारे फीचर्स जो है वो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर अपने को प्रोवाइड किए जाते हैं। बात कर ले अगर इसके स्टेयरिंग व्हील की तो स्टेयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर अपने को स्टेयरिंग व्हील जो है वो पूरा प्रॉपर अपने को टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक का जो एडजस्टमेंट है उसके साथ मिल जाता है। आप देख सकते हैं पूरा अपने को टिल्ट एंड जो टेलीस्कोपिक का जो स्टीयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट है वो इसके अंदर अपने को प्रोवाइड किया गया है। साथ ही के अंदर इसके अंदर अपने को एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का जो फीचर है वो भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि अपनी जो फ्रंट में जो कार चल रही है उसके हिसाब से जो अपनी लेन जो है वो उसको मेंटेन करके जो है ये कार अपनी जो है वो अपनी ड्राइव करती है। साथ ही के अंदर अपने इसके अंदर अपने को वॉइस असिस्टेंट वगैरह जो है वो मिल जाता है। बात करें अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो इसके अंदर अपने को 9 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर अपने को एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले जैसे सारे फीचर्स जो है वो इसके अंदर अपने को प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही के अंदर इसके अंदर अपने को इनबिल्ट जो अपनी ई सिम है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर अपने को 5 ईयर्स की जो अपनी सर्विसिंग है यानी इंटरनेट वगैरह जो है वो सारी चीजें फ्री मिलती है। और इसके अंदर अपने को अपनी जो प्ले स्टोर पे जो भी अवेलेबल एप्स हैं जैसे अपनी स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, यूट्यूब वगैरह जो है वो सारी चीजें अपन जो है वो इसके अंदर यूज कर सकते हैं।
और इसी के अंदर अपने को जो एसी के जो कंट्रोल्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी पूरे यहाँ से अपन अप एंड डाउन और पूरी जो है वो अपनी मैक्सिमम रेंज ऑफ ये सारे जो कंट्रोल्स हैं एसी के यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने जो 360 डिग्री व्यू कैमरा जो है वो अपने को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर दबाते हैं तो अपना जो लेफ्ट साइड है वो प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही के अंदर अपना अगर 360 पे दबाते हैं तो पूरा प्रॉपर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने को कुछ इस प्रकार से जो अपना पूरा व्यू जो है वो ये कार के अंदर अपने को नजर आता है। यहाँ पर अपने को जो मेन्यू बटन है वो प्रोवाइड किया जाता है। एसी वेंट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो एसी वेंट्स आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के बड़े ही किलर लुक के साथ जो है वो मैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंटीरियर के अंदर जो बैठने का मजा है या पूरी फील जो है वो बढ़िया सी जो फील है वो अपने को इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। साथ ही के अंदर अगर मैं बात कर लूँ गियर लीवर की तो गियर लीवर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का गियर लीवर जो अपने को है वो प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर अपने को रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और पार्किंग मोड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर अपने को वायरलेस चार्जिंग की जो सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड की जाती है। साथ ही के अंदर अपने को 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट मिल जाता है। और अगर बात करूँ तो यहाँ पर अपने को जो सी टाइप कनेक्टर है वो अपने को प्रोवाइड किया जाता है। अब आते हैं इसके आर्म रेस्ट के ऊपर, तो इसके अंदर अपने को आप बात करें तो यहाँ पर अपने को आर्म रेस्ट के अंदर जो स्पेस है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर अपने को कुछ इस प्रकार का जो स्पेस है थोड़ा बड़ा वो अपने को प्रोवाइड किया गया है। की अगर मैं बात कर लूँ तो की अपने को कुछ इस प्रकार की जो है वो मिलती है जिसके ऊपर अपने को वोल्वो की बैजिंग मिल जाती है। साथ ही के अंदर अपने को यहाँ पर अपनी जो हजार लाइट्स के कंट्रोल्स हैं वो दिए गए हैं और यहाँ पर अपने को टेल गेट ओपनर लॉक और अनलॉक का जो कंट्रोल है वो प्रोवाइड किया जाता है। बात कर ले अगर मिड कंसोल की तो मिड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने को हजार लाइट्स के कंट्रोल्स और कुछ इस प्रकार से जो अपनी एयर इंटेक के जो कंट्रोल्स हैं वो दिए गए हैं। और साथ ही के अंदर अपने को यहाँ पर जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है उसके कंट्रोल्स अपने को प्रोवाइड किए जाते हैं। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अपने को जो अपनी यूएस अपनी जो एसडी कार्ड वगैरह जो लगाने का स्पेस है वो प्रोवाइड किया जाता है। प्रॉपर अगर बात कर ले इसके ग्लब बॉक्स की तो ग्लब बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का स्पेशियस ग्लब बॉक्स जो है वो इसके अंदर अपने को प्रोवाइड किया जाता है। पूरा अगर बात कर ले तो ओवरऑल इंटीरियर जो है वो पूरा ब्लैक कलर का जो इंटीरियर है वो मिल जाता है। और इसके अंदर अपने को जो जगह जगह फैब्रिक का जो यूज किया गया है वो द बेटर इन सेगमेंट जो है वो मेरे हिसाब से रहने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब की जो फील वोल्वो में बैठ के आती है उस हिसाब की जो फील है वो किसी भी कार के अंदर बैठ के नहीं आती है। बात करें अगर इसके IRVM की तो IRVM की अगर मैं बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अपने को ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो इसके अंदर अपने को प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही के अंदर अपने को कुछ इस प्रकार की पूरी प्रॉपर जो मून रूफ है वो अपने को प्रोवाइड की जाती है। और कुछ इस प्रकार की यहाँ पर अपने को टच सेंसेबल जो अपनी लाइट्स हैं वो मिल जाती है। यहाँ पर भी अपने को जो है वो आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर जो है वो अपने को कुछ इस प्रकार से दिए गए। यहाँ पर अपने को पैसेंजर्स एयरबैग ऑन ऑफ SOS वगैरह जो है उसके दिए गए हैं कंट्रोल्स। साथ ही के अंदर अपने को सनसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो वैनिटी मिरर के साथ जो अपने सनसेट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके अंदर अपने को गूगल असिस्टेंट की जो अपनी वॉइस कमांड है वो प्रोवाइड की जाती है। तो पूरा प्रॉपर अगर मैं बात कर लूँ तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, और साथ ही के अंदर इसके अंदर अपने को 9 एयरबैग्स का जो सेटअप है वो प्रोवाइड किया जाता है। रियर पैसेंजर साइड और फ्रंट जो अपना ड्राइवर और को ड्राइवर साइड को मिला के इसके अंदर अपने को 9 एयरबैग्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि क्योंकि ये वोल्वो जो है वो वर्ल्ड्स सेफेस्ट कार रहती है। अब बात करते हैं इसके रियर साइड पैसेंजर सीट्स की। तो रियर साइड पैसेंजर सीट्स की अगर मैं बात करूं तो पैसेंजर सीट्स जो है उसके अंदर अपने को सबसे पहले तीनों पैसेंजर्स के लिए जो हेडरेस्ट है वो प्रोवाइड किया गया है। साथ ही के अंदर अपने को मिड के अंदर जो अपना आर्म रेस्ट है वो मिल जाता है, जिसके अंदर अपने को आप देख सकते हैं 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ एसी वेंट्स और साथ ही के अंदर अपने को जो चार्जिंग आउटलेट है वो अपने को प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर अपने को सी टाइप कनेक्टर जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो पूरा ओवरऑल अगर मैं बात कर लूँ तो बढ़िया जो इसके अंदर अपने को स्पेस जो है वो मिलने वाला है रियर के अंदर भी। अब अगर मैं बात कर लूँ इसके बैटरी के बारे में तो इसके अंदर अपने को 78 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी जो है वो मिल जाती है। और रेंज की अगर बात कर ले तो इसके अंदर अपने को कंपनी जो है वो 530 किलोमीटर्स की जो रेंज है वो क्लेम करती है। बात कर ले अगर इसके BHP पावर की तो इसके अंदर अपने को 408 BHP और साथ ही के अंदर अपने को 660 NM का जो टॉर्क है वो ये कार अपने को प्रोड्यूस करके देती है। अब आते हैं 0 to 100 पे तो इसके अंदर अपने को 4.7 सेकंड्स के अंदर जो ये कार है वो 0 to 100 क्रॉस कर लेती है। अब अगर बात करें इसके कलर्स की तो इसके अंदर अपने को वोल्वो की तरफ से 6 कलर ऑप्शंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर बात कर ले इस ब्यूटी के एक्सशोरूम प्राइस की तो ये अपने को 62.95 लाख रुपीस जो है वो एक्सशोरूम प्राइस के अंदर जो है वो मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, ऐसी ही कार और बाइक रिव्यूज की वीडियो देखने के लिए मोटरवुड को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर अभी तक आपने रेंज रोवर इवोक की वीडियो नहीं देखी है तो स्क्रीन पर टैप करके वीडियो जरूर देखें।